नमस्कार, इंस्पायरिंग बरकत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक रानी और उसकी कुरूप दासी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक रानी थी, बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी दासी कमला बहुत ही कुरूप थी। और शाम के समय एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी और कमला अपनी रानी के बाल संवार रही थी। कमला के साथ उसकी पालतू बिल्ली और चूहिया भी रानी के कमरे में छुपकर बैठे हुए थे। तभी बाल संवारते हुए कमला से रानी के कुछ बाल टूट गए, जिससे रानी को सिर में थोड़ा दर्द हुआ और अब इससे रानी बहुत गुस्से में झुंझलाने लगी और उसने कमला को धक्का मार दिया। धक्का लगने से कमला जमीन पर गिर गई और जमीन पर गिरने के कारण कमला के गले में पहनी हुई माला, जो मोतियों की थी, वो टूट गई और माला के सारे मोती जमीन पर बिखर गए और दूर दूर तक फैल गए। कमला जल्दी से हड़बड़ाकर उठी और तभी कमला की पालतू चूहिया और बिल्ली भी जल्दी जल्दी मोतियों को चुगने में कमला की मदद करने लगी। तभी रानी का पालतू कुत्ता आ गया और वो बिल्ली पर गुर्राना उसने शुरू कर दिया। रानी के कुत्ते ने बिल्ली को कमरे से भगा दिया। अब रानी गुस्से में और झुंझला रही थी और वह एक क्षण के लिए भी कमला को अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अभी कमला और चूहिया ने सारे मोती चुके भी नहीं थे कि रानी ने जोर से चिल्लाकर कमला से कहा, निकलो दासी यहाँ से, और अपनी यह बदसूरत शक्ल लेकर कभी मेरे कमरे में मत आना और मेरे कमरे से बाहर निकलो। कितनी बार कहा है तुमसे, इन जानवरों को लेकर मेरे कमरे में मत आया करो। कमला बेचारी आंखों में आंसू और हाथों में टूटी हुई माला के मोती लिए अपनी चूहिया के साथ रानी के कमरे से बाहर निकल गई और बाहर आकर चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई। उसने माला के उन मोतियों को एक तरफ रखा और खुद को कमरे में लगे शीशे में निहारने लगी और अपना कुरूप चेहरा देखकर तेज तेज रोने लगी। वहीं पर कमला की पालतू बिल्ली और चूहिया, जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थीं, उन्होंने उस कमला को बहुत समझाया कि ये रानी बहुत ही दुष्ट है और ये तुम्हें ऐसे ही सताएगी, तुम रो मत ना कमला। कमला फिर भी चुप नहीं हुई और अपने बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। दूसरी तरफ रानी जैसे ही अपने बाल संवार कर खड़ी हुई, अचानक से वह कमरे के फर्श पर पड़े हुए कमला के माला के मोतियों के कारण फिसल गई। उसे अब कमला पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में चिल्लाने लगी। तभी उसने अपने नौकरों से कहा कि उठाओ इन मोतियों को और फेंक दो इन्हें कुएं के ढेर में। रानी के सफाई कर्मचारियों ने तुरंत रानी के कमरे में सफाई करके वे सारे मोती उस कूड़े के ढेर में फेंक दिए और सारा महल का कूड़ा जहां गिराया जाता था। बिल्ली और चूहिया कमला को बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी और कमला अपनी आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी हुई थी। रात में बिल्ली और चूहिया ने मिलकर उस टूटी हुई माला को फिर से जोड़ने की कोशिश की, पर उन्होंने देखा कि अब केवल माला में बहुत थोड़े ही मोती बचे हुए हैं, जिन्हें देखकर बिल्ली और चूहिया को बड़ा दुख हुआ। फिर भी उन दोनों ने बचे हुए मोतियों को धागों में पिरोकर हाथ में पहनने का एक बहुत ही सुंदर आभूषण बनाकर तैयार कर दिया और उस आभूषण को मेज पर रखकर फिर वो तीनों सो गए। अगले दिन जब रानी सोकर उठी तो उसने देखा उसके कमरे में से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। वो तुरंत अपने कमरे से बाहर गई और उसने पाया कि पूरे महल में ऐसी ही दुर्गंध आ रही है। उसने तुरंत अपने सफाई कर्मचारियों को बुलवाया और उनसे ये पता करने के लिए कहा कि महल में इतनी गंदी दुर्गंध कहाँ से आ रही है। तब कर्मचारियों ने रानी को बताया कि महारानी जी, कल रात बहुत अधिक बारिश होने के कारण महल के पास बने कूड़े के ढेर में जो कूड़ा सड़ने से यह सड़न हो गई है, जिसके कारण वहां से इतनी दुर्गंध आ रही है। रानी ने तुरंत कर्मचारियों से कहा कि जल्दी से जल्दी किसी को बुलाकर वहां से कूड़ा हटवा। कुएं को हटवाने के लिए एक लड़का था जिसका नाम अमित था। वो व्यक्ति जो कूड़ा को साफ करने के लिए बुलाया गया, जो कि एक सीधा साधा बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। वो महल के साथ साथ पूरे राज्य का कूड़ा अपने तांगे में भरकर फेंकता था। कुछ ही देर बाद अमित अपना तांगा लेकर आया और महल के उस कूड़े के ढेर की सफाई करने लगा। धीरे धीरे सारा कूड़ा उसने तांगे में भर लिया और तभी कूड़ा भरते समय उसके हाथ में कुछ मोती आ गए। वो मोती उसे बहुत ही जाने पहचाने लग रहे थे। वो कूड़े के ढेर में से सब जगह से उसने उन मोतियों को ढूंढ लिया और उसे बहुत ही थोड़े से मोती उस कूड़े के ढेर में मिले, जिन्हें पाकर अमित को बहुत दुख हुआ क्योंकि यह मोती उसी माला के थे जो बहुत समय पहले उसने कमला की दो सहेलियों को कमला के लिए अपने प्यार का इजहार करते समय दी थी। पर जब कमला की दोनों सहेलियों ने अमित को ये बताया कि वो तो राजकुमार से प्यार करती हैं, तो अमित को, जो उन्हें कमला को ये बात बताने से मना कर दिया था कि अमित कमला को पसंद करता है, वो उससे प्यार करता है, ये बात कभी भी कमला को ना बताएं, क्योंकि अगर कमला को ये बात पता लगेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। वो कमला का बहुत अच्छा दोस्त भी था, जिस कारण वो कमला को से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ना चाहता था। वो अमित उस माला को उन दोनों बहनों को ये कहकर दे आया कि यह माला आप कमला को दे दे, और उसके कुछ समय बाद उसे कमला ने उसे बताया था कि वह और उसकी दोनों सहेलियां राजा के साथ दूसरे राज्य में घूमने जा रही हैं, और उसके बाद कमला और उसकी दोनों सहेलियां फिर कभी नहीं अमित को दिखाई दी थी और न ही पूरे राज्य में उनका कोई अता पता था। अब अमित को उन माला के मोतियों को देखकर बहुत दुख हुआ, परंतु साथ में उसके मन में एक गहरा शक पैदा हो गया क्योंकि बहुत समय से कमला का कोई अता पता नहीं था। अमित हमेशा महल के कूड़े की सफाई करता था। इससे पहले कभी उसे इस माला के मोती कूड़े के ढेर में नहीं मिले थे। इसी शक के कारण उसने कमला के महल में होने का आभास हुआ और वो महल में सफाई करने के बहाने अपना तांगा एक तरफ खड़ा करके कमला को ढूंढने के लिए महल में चला गया। महल में कमला जब सोकर उठी तो उसने देखा बिल्ली और चूहिया ने माला के बचे हुए मोतियों से हाथ में पहनने का एक बहुत सुंदर आभूषण बना दिया है, जिसे देखकर कमला बहुत खुश हुई। वो उस आभूषण को अपनी कलाई में पहनने लगी कि तभी वो एक गहरी याद में डूब गई। कमला को याद में वो खुद को बहुत ही खूबसूरत युवती के रूप में देख रही थी, जिसकी खूबसूरती देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाए। वो इस राज्य में काम की तलाश में आई थी। इस राज्य में आकर उसकी सबसे पहली मुलाकात अमित नाम के व्यक्ति से हुई थी, जो बहुत ही नेक और होनहार खूबसूरत युवक था। वो पूरे राज्य के साथ साथ महल का सारा कूड़ा उठाने का काम करता था। कमला इस नए राज्य में से पूरी तरह अनजान थी। उस राज्य में घर और काम ढूंढने में अमित ने उसकी बहुत मदद की थी। अमित के घर के पास दो जुड़वा बहनें रहती थीं, जो महल में सेविका का काम करती थीं। अमित के कहने पर उन दोनों बहनों ने कमला को अपने साथ रख लिया था और उन्होंने उसे अपने साथ में महल में काम भी दिलवा दिया था। देखते ही देखते कमला की वो दोनों बहनें बहुत अच्छी सहेलियां बन गई थीं। साथ ही अमित भी उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। वो अक्सर कमला से मिलने आ जाया करता था और उससे बातें किया करता था। कमला महल में राजकुमार की मुख्य सेविका का काम करती थी। वो पूरे दिल से अपना काम करती थी। उसके काम करने के तरीके और उसकी खूबसूरती को देखकर राजकुमार भी कमला को दिल दे बैठा था। एक दिन राजकुमार ने कमला से कहा कि वो उससे बहुत प्रेम करता है और जिस तरीके से कमला उसका हर काम समय पर और इतने अच्छे ढंग से करती है, ये बात राजकुमार को बहुत पसंद आई है। राजकुमार की बात सुनकर कमला उस समय कुछ नहीं बोली थी और वहाँ से चुपचाप अपने घर आ गई थी। जब उसने यह बात अपनी सहेली दोनों जुड़वा बहनों को बताई तो उनमें से एक बहन बोली, हो सकता है कमला, राजकुमार तुम्हारी खूबसूरती की वजह से तुम्हें प्यार करता हो। पर तभी दूसरी बहन ने उसे डांटते हुए कहा कि यह क्या है, हर वक्त नकारात्मकता मत सोचा करो। कमला के अंदर इतने गुण हैं कि कोई भी इससे प्यार कर बैठेगा। उसने कमला को बहुत समझाया कि वो राजकुमार से अपने प्यार का इजहार कर दे। अपनी दोनों सहेलियों को समझाने पर कमला ने राजकुमार से अपने प्यार का इजहार करते हुए पूछा, क्या सच में कमला से वो प्यार करता है या फिर वो बाद में कमला का साथ छोड़ तो नहीं देगा। ये सुनकर कमला ने उसे बताया कि वो उसे बहुत प्रेम करता है और राजा बनने के बाद वो कमला से शादी कर लेगा। ये सुनकर कमला बहुत खुश हो गई। वो पूरी तरह राजकुमार के प्यार में डूब गई। अब वो पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगी थी। एक दिन कमला महल में काम करने गई हुई थी और उसकी दोनों जुड़वा बहनें घर पर ही थीं। तभी वहाँ पर अमित अपने हाथों में खूबसूरत मोतियों की माला लेकर आया। उसने उन दोनों बहनों को वह माला देते हुए कहा कि यह माला तुम कमला को दे देना। दोनों बहनों ने वह माला कमला को दे दी, जिसे पाकर कमला बहुत खुश हुई। साथ ही वह थोड़ी उदास भी थी कि अमित अब उससे पहले की तरह बात नहीं करता था, पर फिर भी वो राजकुमार के प्यार में और महल के काम में इतनी ज्यादा व्यस्त थी कि उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। कुछ दिनों बाद राजकुमार ने कमला से कहा था वो पड़ोसी राज्य में युद्ध के लिए जा रहे हैं और वहाँ से लौटने के बाद राजकुमार का राज्य अभिषेक होगा और वो राजा बन जाएगा। उसके बाद वो अपने माता पिता को कमला के बारे में सब बता देगा और उससे शादी कर लेगा। कमला ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई। अब बस मन ही मन उसे ये लगने लगा कि राजकुमार उससे सच्चा प्यार करता है, जिससे शादी करके वो राज्य की रानी बन जाएगी। राजकुमार अब युद्ध के लिए दूसरे राज्य में चला गया। उसने वहाँ की सेना से पूरी बहादुरी के साथ युद्ध किया और उस सेना को धूल चटा दी। दूसरी सेना के राजा को राजकुमार ने मार दिया और वहाँ की रानी विधवा हो गई। जब राजकुमार ने दूसरे राज्य को अपने अधीन करने की घोषणा की तो उस राज्य की जो रानी थी विधवा हो गई थी, वो राजकुमार के सामने गिड़गिड़ाने लगी, जिस कारण राजकुमार को रानी पर दया आ गई और उसने उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया। राजकुमार युद्ध के बाद वापस अपने राजमहल लौट आया था। अब राजकुमार युद्ध के बाद अपने राज्य में वापस लौटा तो राजकुमार के पिताजी जो राजा थे राजकुमार से क्रोधित हो गए और उन्होंने राजकुमार को इस बात के लिए बहुत ही डांटा और उन पर क्रोध किया कि वो जीता हुआ राज्य वापस क्यों देकर आ गए, क्योंकि राजकुमार के पिता ने राजकुमार से कहा था उसे दूसरे राज्य से युद्ध के बाद उनका राज्य उन्हें वापस नहीं देना चाहिए था। अब ये सब सुनकर राजकुमार चुप रहा और कई दिनों तक भी वो अपने माता पिता को कमला के बारे में नहीं बता सका। राजकुमार की बहादुरी और अपने प्रति उसके दयाभाव को देखकर दूसरे राज्य की रानी उस राजकुमार से प्यार कर बैठी। राजकुमार के वहाँ से युद्ध करके जाने के बाद अब वह रानी हर समय राजकुमार के बारे में सोचने लगी। उस रानी के पास अपनी एक जादुई अंगूठी थी, जिससे वह कभी भी किसी भी जानवर या इंसान को किसी भी रूप में वह बदल सकती थी। रानी वह अंगूठी हमेशा अपनी उंगली में पहने रखती थी और उस अंगूठी को वह केवल तभी निकालती थी जब वह नहाने जाया करती थी। नहाते समय उस अंगूठी की देखभाल के लिए वो अपने पालतू कुत्ते को बैठा कर जाती थी। वो पालतू कुत्ता रानी का बहुत ही वफादार था और पूरी वफादारी के साथ रानी की और उसकी अंगूठी की रक्षा करता था। रानी अब उस राजकुमार के प्यार में इतनी खो चुकी थी कि उसने राजकुमार के बारे में पता करने के लिए अपने वफादार कुत्ते को एक कबूतर में बदल दिया और उसे दूसरे राज्य के राजकुमार के बारे में पता करने के लिए भेज दिया। कबूतर सीधा राजकुमार के कमरे की खिड़की पर जा बैठा था, जहां उस कबूतर ने देखा कि राजकुमार अपने कमला नाम की सेविका से बात कर रहा था। वो उस सेविका से बहुत प्रेम करता है और वह इस युद्ध के बाद कमला से अपनी शादी की बात अपने माता पिता से करता, लेकिन अभी उसके पिता क्रोधित हैं, जिस कारण वो कुछ समय बाद अपने माता और पिता को कमला के बारे में जरूर बताएगा। साथ ही कबूतर ने देखा कि राजकुमार को किसी बदसूरत इंसान या बदसूरती से बहुत ज्यादा नफरत थी। अगर राजकुमार किसी बदसूरत व्यक्ति को अपने सामने देखता था तो उसे तुरंत महल से निकलवा देता था। कबूतर ने ये सब जानकारी ले जाकर रानी को बताई। रानी को जब ये पता चला कि राजकुमार महल की किसी सेविका से प्रेम करता है तो ये सुनते ही वह आग बबूला हो गई और वह बस हर तरीके से अब राजकुमार को पाना चाहती थी। इसके लिए उसे एक उपाय सूझा और उसने ही एक दिन राजकुमार को अपने सभी सेवकों के साथ अपने यहाँ खाने पर बुलाने के लिए बुलावा भेजा। राजकुमार ने कमला से कहा कि वो भी उसके साथ दूसरे राज्य में खाने पर चले, क्योंकि दूसरे राज्य की रानी ने इस बार खाने पर राजकुमार के साथ महल के सेवकों को भी बुलवाया था। ये सुनकर कमला बहुत खुश हो गई और उसने अपनी दोनों सहेलियों से भी साथ में चलने को कहा था। कमला और उसकी सहेलियां दोनों बहनें जुड़वा थीं, खुशी खुशी राजकुमार के साथ दूसरे राज्य में चलने को तैयार हो गई। जब कमला राजकुमार के साथ दूसरे राज्य में खाने पर पहुंची तो वहां के लोगों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें बहुत अच्छे से खाना खिलाया। राजकुमार खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने जा रहा था कि अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी समय कमला की दोनों सहेलियां उस कमरे के बाहर से गुजर रही थी तो उन्होंने देखा राजकुमार कमरे में बेहोश पड़ा है। तभी उन्होंने कमला को इस बारे में बताया। कमला ने आकर राजकुमार को संभाला और वह राजकुमार को होश में लाने की कोशिश करने लगी। उसके बहुत कोशिश करने के बावजूद भी राजकुमार को होश में नहीं आया तो कमला अब बहुत परेशान हो गई। उसने तुरंत महल के वैद्य जी को राजकुमार को देखने के लिए बुलवाया, परंतु वैद्य जी ने ये कहकर आने से इनकार कर दिया कि जब तक रानी की आज्ञा नहीं होगी वो राजकुमार को नहीं देख सकता। ये सुनकर कमला बहुत परेशान हो गई। वो सीधी रानी के पास गई और उसने रानी से यह पूछा कि महारानी उसके खाने में ऐसा आपने क्या मिलाया कि राजकुमार बेहोश हो गया है और आखिर में वो वैद्य को राजकुमार को देखने की आज्ञा क्यों नहीं दे रही है? उस रानी ने गुस्से में कहा कि वह राजकुमार को पाना चाहती है, पर कमला की खूबसूरती के कारण राजकुमार केवल उसे ही चाहता है और वो जब तक वैद्य को आज्ञा नहीं देगी जब तक राजकुमार होश में नहीं आ पाएगा। ये सुनकर कमला बहुत तेज तेज रोने लगी। वो रानी के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि क्योंकि रानी साहिबा आप कैसे भी करके राजकुमार को ठीक करवा दो। इतना सुनकर रानी ने कमला से कहा कि वो केवल एक शर्त पर वैद्य जी को राजकुमार को देखने की आज्ञा दे सकती है, अगर कमला अपनी खूबसूरती उसे दे दे। ये सुनकर कमला बहुत दुखी हो गई। उसकी दोनों सहेलियां रानी से लड़ने लगी कि वह ऐसा न करे, परंतु रानी ने कहा अगर कमला उसे अपनी खूबसूरती नहीं देगी तो राजकुमार की मौत हो जाएगी। कमला राजकुमार को इस हालत में देख भी नहीं सकती थी, इसलिए वह अपनी खूबसूरती रानी को देने को तैयार हो गई। कुछ ही देर में वह रानी अपनी जादुई अंगूठी से कमला पर जादू करने लगी, लेकिन तभी उसकी दोनों सहेलियां कमला को बचाने के लिए सामने आ गई और रानी से कहने लगी कि वो कमला के साथ ऐसा न करें। उन दोनों की बातें सुनकर रानी को अब उन दोनों बहनों पर बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर अपनी अंगूठी से दोनों बहनों को, एक को चूहिया और एक को बिल्ली में बदल दिया। दूसरी तरफ राजकुमार बेहोश पड़ा था, जिसे देखकर कमला बहुत दुखी हो गई। उसने रानी से हाथ जोड़कर कहा कि हे रानी, आप उसकी खूबसूरती ले लो पर जल्द से जल्द राजकुमार को ठीक कर दो। ये सुनकर रानी बहुत खुश हो गई और कुछ ही देर में अपनी अंगूठी से उसने कमला को एक कुरूप युवती में बदल दिया। कुछ ही देर बाद रानी के कहने के बाद राजवैद्य ने राजकुमार का इलाज किया और जल्दी उसे होश आ गया। कमला राजकुमार के पास जाकर खड़ी हो गई। कमला की शक्ल को देखकर राजकुमार ने उसकी तरफ से अपना मुंह फेर लिया और जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम और दूर हो जाओ मेरी नजरों से। क्या तुम्हें पता नहीं है मुझे बदसूरत लोगों से कितनी नफरत है? कमला ने राजकुमार को बताया कि वही कमला है। ये सुनकर राजकुमार चुप हो गया और उसने कमला से कहा, तुम्हारी ऐसी बदसुखन वाली औरत कमला नहीं हो सकती। कमला तो बहुत खूबसूरत है, तुम तो बहुत बदसूरत हो। उसने तुरंत कमला को कमरे से बाहर जाने को कहा। ये सुनकर कमला चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। उसके कुछ दिनों बाद ही राजकुमार के पिता ने राजकुमार की शादी दूसरे राज्य की उसी रानी से करा दी ताकि वे उसका राज्य को भी अपने राज्य में मिला सकें। कमला को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसके बाद राजकुमार का राज्य अभिषेक हो गया और वो राजा बन गया। राजा बनने के बाद राजकुमार भी अपने काम में व्यस्त हो गया। कमला के पास महल में काम करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसने रानी से कहा कि वो खुद को राजा की नजरों से दूर रखकर महल में काम कर लेगी, पर वो उसे महल में काम पर रख ले। कमला के बार बार गिड़गिड़ाने पर रानी मान गई और उसने उसे काम पर रख लिया। रानी ने ऐसा सिर्फ कमला को जलाने के लिए किया था, क्योंकि अब तो वह रानी बन गई थी। कमला मोतियां के बने उस आभूषण को अब हाथ में लेकर यह सोच रही थी कि तभी महल की एक सेविका ने कमला से कहा कि रानी ने उसे किसी काम से अपने पास तुरंत बुलाया है। ये सुनकर कमला ने मोतियों के उस आभूषण को अपने कमरे में रख दिया और रानी के पास जाने लगी। उसी समय उसके साथ बिल्ली और चूहिया भी आने लगी, पर कमला ने उन्हें ये कहकर साथ आने से मना कर दिया कि अगर वो उसके साथ जाएंगी तो रानी का कुत्ता फिर से उन्हें परेशान करने लगेगा। ये कहकर कमला अकेली ही रानी के कमरे में चली गई। बिल्ली और चूहिया कमरे के बाहर बैठी कमला का इंतजार कर रही थी कि उन्होंने देखा महल के अंदर अमित हाथ में उस खूबसूरत माला के मोती लिए ऐसे घूम रहा है जैसे मानो वो किसी को ढूंढ रहा हो। उसी समय बिल्ली के मन में एक तरकीब आई। वो जल्दी से कमला के कमरे में अंदर गई और उसने उन मोतियों से बने हाथ के आभूषण को अपने मुंह में दबाकर पकड़ लिया। फिर बिल्ली उस आभूषण को अपने मुंह में दबाकर अमित के सामने जाकर बैठ गई। बिल्ली के मुंह में उस माला के मोतियों के बने हाथ के आभूषण को देखकर अमित उस बिल्ली के पास जाने लगा, परंतु बिल्ली वहां से तेजी से भागने लगी। अमित बिल्ली का पीछा करने लगा। बिल्ली दौड़कर चुपचाप माला मुंह में दबाए रानी के कमरे की तरफ भागने लगी। अमित उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था कि तभी अचानक से बिल्ली रानी के कमरे में घुस गई। कमरे में रानी कमला पर किसी बात पर गुस्सा कर रही थी, जिनकी बातें सुनकर अमित बिल्ली के बाहर आने के इंतजार में रानी के कमरे के बाहर छुपकर खड़ा हो गया। वहां उसने सुना कि रानी कमला पर बहुत गुस्सा कर रही है और गुस्से में रानी ने कमला से कहा कि कमला, तुम ये बात मत भूलना कि जिस तरह से मैंने तुमसे तुम्हारी खूबसूरती छीनी है, उसी तरह मैं तुम्हारा काम भी छीन सकती हूँ। इसलिए अपना काम ढंग से करो, वरना काम से निकाल दी जाओगी। ये सुनकर अमित को बहुत बुरा लगा कि यह वही कमला है जिसे वो प्रेम करता था और रानी ने उसे अपने जादू से कुरूप बना दिया है। अब अमित वहाँ से चुपचाप रानी की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था कि तभी रानी का कुत्ता आ गया और उसने जोर से अमित पर गुर्रा कर भौंकना शुरू कर दिया। अमित खुद को कुत्ते से बचाते हुए रानी के कमरे में चला गया, जिसे देखकर रानी और कमला दोनों हैरान थे। अमित ने गुस्से में रानी से कहा कि उसने कमला के साथ ऐसा क्यों किया, क्या बिगाड़ा था कमला ने उसका। ये सुनकर रानी बहुत तेज गुस्सा हो गई। ये देखकर कमला अमित को चुप कराने लगी, लेकिन अमित बिल्कुल चुप नहीं हुआ और रानी ने अपनी अंगूठी के जादू से उसे एक बंदर बना दिया। ये देखकर कमला बहुत दुखी हो गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। अब उसके सारे दोस्तों को रानी ने जानवरों में बदल दिया था। शाम के समय कमला, बिल्ली, चूहिया और अमित के बारे में सोचकर बहुत उदास बैठे थे। तभी बिल्ली और चूहिया ने कमला को बताया कि अमित उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब उसे यह बात पता चली कि कमला राजकुमार से प्रेम करती है तो उसने यह बात तुम्हें बताने के लिए मना कर दिया था। लेकिन आज उसकी हालत देखकर बिल्ली और चूहिया से रहा नहीं गया। ये सुनकर कमला बहुत दुखी हो गई। वो बिल्ली और चूहिया के साथ रानी के द्वारा बंदर बनाए गए अमित से मिलने चली गई। उसने देखा कि बंदर एक पेड़ से उदास बंधा हुआ है। उसकी यह हालत देखकर उन तीनों को उस पर बहुत ज्यादा दया आ गई और बंदर कमला की तरफ देखकर बोला, तुम आज भी बहुत खूबसूरत हो कमला। कमला उसकी बातें सुनकर चुप रही। वो अपने हाथों से बंदर की रस्सी को खोलने लगी, लेकिन रस्सी इतनी जोर से बांधी गई थी कि वो उसे खोलने में नाकाम रही। तभी चूहिया ने उससे कहा कि वो अपने दांतों से उस रस्सी को काट सकती है। ये सुनकर सब खुश हो गए और चूहिया ने अपने दांतों से जो अमित को बांध रखा था उस रस्सी को काटने लगी। अभी चूहिया अमित की रस्सी को दांत उसे काट ही रही थी कि तभी बंदर ने कमला और बिल्ली और चूहिया से पूछा कि क्या उन्होंने कभी खुद को वापस पहला जैसा बनने की कोशिश नहीं की। ये सुनकर कमला ने उसे बताया कि उन्हें वापस अपने पहले जैसे रूप में लाने की शक्ति रानी की अंगूठी में है, उन्हें तभी वापस मिलेगी जब वो अंगूठी टूट जाएगी। उन्होंने उस अंगूठी को पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वे उस अंगूठी को पाने में नाकामयाब रहीं, क्योंकि रानी उस अंगूठी को हमेशा अपने उंगली में पहन कर रखती हैं और अगर नहाते समय वो उसे उतारती भी है तो रानी का वफादार कुत्ता उस अंगूठी का ध्यान रखता है। वो कुत्ता उस अंगूठी के आसपास भी किसी को आने नहीं देता। ये सुनकर बंदर चुप हो गया। उसने उन सबको समझाया कि अगर वो खुद को पहले की तरह ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी रानी की उस अंगूठी को नष्ट करना होगा ताकि वे सब पहले की तरह ठीक हो सकें। इसके लिए उसने चूहिया और बिल्ली से कहा कि कल सुबह जब रानी नहाने के लिए जाएं तो उस समय जब रानी का कुत्ता उसकी अंगूठी पर ध्यान रख रहा होगा तो बिल्ली चुपचाप उसके कमरे में जाकर कुत्ते का ध्यान अपनी तरफ खींच ले और तभी चूहिया उस अंगूठी को वहां से उठाकर ले आए और कमला को दे दे ताकि कमला उस अंगूठी को नष्ट कर दे जिसके टूटने के बाद वह पहले की तरह अपने असली रूप में आ जाए। अगले दिन जब रानी नहाने चली गई तो कुत्ता रानी की अंगूठी की देखभाल करने लगा था। उसी वक्त उसके कमरे में बिल्ली आ गई और बंदर की बताई हुई तरकीब के अनुसार वो कुत्ते का ध्यान अपनी ओर खींचने लगी। कुत्ता पहले से ही यह जानता था कि बिल्ली की अंगूठी चुराने के लिए कोई चाल होगी, इसलिए वो बिल्ली को वहां से भगाने के साथ साथ अंगूठी पर भी ध्यान दे रहा था। वो बिल्ली रानी को कमरे से भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसने देखा छोटी चूहिया कमरे में रखी रानी की अंगूठी को उठाकर मुंह में दबाकर ले जा रही है। कुत्ता बिल्ली को छोड़कर चूहिया के पीछे पीछे दौड़ने लगा। चूहिया अपनी जान बचाने के लिए सीधी रसोई की तरफ भागने लगी। रसोई में खाना बन रहा था और सभी मसाले वहां रखे थे। घबराई हुई चूहिया अंगूठी को मुंह में दबाए हुए कुत्ते से खुद को बचाते हुए रसोई में घुसी ही थी कि अचानक से कुत्ते ने उसकी पूंछ पर अपना पंजा रखकर उसे दबोच लिया। अब चूहिया बुरी तरह घायल हो गई थी। तभी रसोई में बंदर आ गया और उसने मसाले कुत्ते की आंख में फेंक दिए, जिससे कुछ समय के लिए कुत्ता अंधा हो गया और चूहिया जल्द से जल्द वहां से भाग गई। वो अंगूठी लेकर कमला के पास चूहिया पहुंच गई। वहां पहुंचकर कमला ने उस अंगूठी को एक बड़े से पत्थर से तोड़ दिया, जिसके टूटते ही बिल्ली और चूहिया पहले की तरह वे दोनों जुड़वा बहनें बन गई। बंदर भी फिर से अमृत बन गया और कमला पहले की तरह खूबसूरत हो गई। अपनी अंगूठी को ढूंढते हुए जब रानी कमला के पास पहुंची तो वो कमला की खूबसूरती और बाकी सभी को अपने असली रूप में देखकर हैरान थी। उसने देखा उसकी अंगूठी टूटी पड़ी है तो रानी वहां से भागने लगी, पर तभी दोनों जुड़वा बहनों ने उसे पकड़ लिया और वे कमला के साथ मिलकर उसे राजा के पास लेकर गए। तब राजा ने कमला को फिर से उसके असली रूप में देखा तो राजा हैरान रह गया और कमला और उसकी सहेलियों ने जब राजा को रानी की सच्चाई बताई तो राजा ने उस रानी को महल से निकल जाने का आदेश दिया। कमला की खूबसूरती को देखकर राजा ने सबके सामने कमला से शादी करके उसे महल की रानी बनाने का आदेश दिया, पर कमला ने राजा से शादी करने के लिए इनकार कर दिया। वो राजा से बोली, आज आप राजा हैं और फिर से मेरी खूबसूरती को देखकर आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं। लेकिन जब मैं कुरूप थी तो उसने बताया राजा को कि वो वही कमला है, तब आप उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे, इसलिए अब वो राजा से शादी नहीं करना चाहती और न ही वो वहाँ की रानी बनना चाहती है। ये सुनकर राजा चुप हो गया। कमला ने इसके बाद अमित से अपने प्यार का इजहार किया और उससे शादी कर ली। उसके बाद कमला और अमित और उनकी दोनों सहेलियों के साथ खुशी खुशी उस राज्य में रहने लगे और अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।